हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजुम निटिंग। आज आप लोगों के लिए सिंगल कलर में पैटर्न लेकर आई हूँ। ये हमारा पैटर्न 8-8 के मल्टीपल के फंदों में बनकर आता है। ये इतना पैटर्न हमारा 8 फंदों में बनेगा। एक एक पैटर्न हमारा 8-8 फंदों में बनकर आता है। अगर इसे आप लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप इसे लाइट कलर में बनाएंगे तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। यहाँ नीचे हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बुन ली हैं, आप यहाँ नीचे से बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। और ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। यहाँ पर हमने 3 पैटर्न बना लिए हैं। यहाँ पे इसके ऊपर से हमने 4th वाला पैटर्न बनाना है। ये वाला मैं 4th वाला बनाकर आपको मैं दिखाऊंगी। जैसे हमने यहाँ नीचे से पैटर्न बनाने का स्टार्ट किया है, इसी तरह से हम यहाँ से आपको बनाकर बताएंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ पे हम दोनों धागे अपने आगे लेकर आएंगे। इस तरह से ये दोनों जो हमारा है, दो डबल धागे करके आगे लेकर आएंगे। यहाँ पे जो हमारा टाइट वाला है, लूज वाले को छोड़ देंगे। जो हमारा टाइट वाला है इससे हम दो फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से धागा पीछे की तरफ खींच देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर दो फंदे उल्टे ही स्टिच करने हैं हमने। एक, दो, फिर धागा हम पीछे की तरफ खींच देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ अपना ये वाला पैटर्न हम बनाएंगे। अब इसमें जो हमारा 1, 2, 3 तीसरा होल जो हमारा है, इसी होल से हमको नीडल को डालकर एक फंदा एक्स्ट्रा निकाल लेना है। फिर 3 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3। फिर यही हमारा जो होल है जिससे हमने एक फंदा एक्स्ट्रा निकाला है, उसी होल से एक बार फिर हम एक फंदा और निकालेंगे। इसे हम एक बार इस तरह से खींचकर लूज कर देंगे। फिर वही रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, यही 8 फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं। धागा आगे लेकर आएंगे, डबल धागा हमें लेकर आना है। इस तरह से जो हमारा टाइट वाला धागा है, इसी से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे की तरफ से ये वाला हम खींच देंगे, फिर दो डबल धागे आगे लेकर आएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा बुन के लूज वाला जो धागा हमारा था उसे खींच देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। फिर वही हमें रिपीट करना है। तीसरा वाला होल है, ये आप जो देख रहे हैं 1, 2, 3 तीसरा वाला जो हमारा होल है, इसी होल से हम एक एक्स्ट्रा फंदा निकालेंगे, तो इसे हम लूज रखेंगे। फिर 3 फंदे हम स्टिच करेंगे सीधे सीधे, फिर उसी होल से हमें एक फंदा और निकालना है। इस तरह से पीछे से एक फंदा और निकालेंगे। यहाँ हमने अपना 2 पैटर्न बना लिया है, तीसरा वाला इसी तरह हम तीसरा और चौथा इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम अपना सेकेंड रो बैक साइड से बनाएंगे। सेकेंड रो बैक साइड से हमें पूरे फंदे उल्टे बुनने हैं, लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा फंदे लिए थे ये होल से निकाल कर, जो हमने एक्स्ट्रा फंदे बनाए हैं उन्हें हमें स्लिप कर लेने हैं। यहाँ पर 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर अपने 3 फंदा बीच वाला जो हमारा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे।
इस तरह से। फिर जो हमारा ये हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था इसको फिर स्लिप करेंगे, फिर हम पांच फंदे उल्टा बनाएंगे, फिर वही रिपीट करेंगे, दो फंदे स्लिप करने हैं जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे, फाइव फंदे बुन लेने हैं। सेकेंड रो हमने बैक साइड से बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम थर्ड रो में हमारा पैटर्न बनकर आएगा। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर वही हम रिपीट करेंगे, दोनों धागे आगे लेकर आएंगे, फिर जो हमारा टाइट वाला है इसी से हम दो फंदे स्टिच कर लेंगे, पीछे से लूज वाला धागा खींच देंगे, फिर दोनों धागे आगे लेकर आएंगे, इस तरह से दोनों धागों को आगे लेकर आएंगे, फिर जो हमारा टाइट वाला है उसी से हम दोनों को बुन लेंगे, फिर धागा लूज वाला जो हमारा है पीछे खींच देंगे, फिर धागे आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया था और ये जो हमारे बीच में तीन सीधे बुने गए थे, तो एक फंदा सीधा वाला और एक एक्स्ट्रा वाला, यहाँ पे दो फंदों का हम एक करेंगे, यहाँ पे दोनों फंदों को पीछे से ही बुनना है, नीडल को पीछे से डालेंगे, सीधे इसे स्टिच कर लेंगे सीधा इस तरह से, फिर ये हमारा बनकर ये वाला आएगा जो हम पीछे से डालेंगे, फिर बीच वाला फंदा सीधा स्टिच करेंगे, फिर जो हमारा एक लास्ट वाला है तीन फंदों का, फिर इसे भी हम इस तरह से सीधा ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला पैटर्न बनकर आ गया है, ये जो हमारा है, फिर वही रिपीट करेंगे, दोनों धागे आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर जो हमारा लूज वाला धागा है इसको हम पीछे की तरफ खींच देंगे, फिर दोनों धागे आगे लेकर आएंगे, फिर दो उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर यही हमें रिपीट करना है जो हमने पहले बनाया था, पीछे से आगे वाले फंदे को नीडल डालकर सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीसरा वाला भी दो फंदों का एक करना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। देखिए ये हमारा पैटर्न बनकर आया है, ये देखें, फिर वही हमें रिपीट करना है बार बार जो हमने यहाँ आपको बनाकर बताया है। फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड रो है, यहाँ पर हमारा पैटर्न बनकर आ गया है, ये देखिए। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में अगर आप इसे जैकेट में डालेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लास्ट में उतने ही फंदे डालेंगे, उस हिसाब से सेट करेंगे जैसे यहाँ पे आगे हम बनाए हैं। एक फंदा स्टिच वाला रहेगा ये, और पांच फंदे यहाँ पे हमारे पैटर्न वाले रहेंगे। यहाँ पे हमारा ये हाफ पैटर्न आ गया है फाइव फंदों के बाद, तो यहाँ पर हमने एक फंदा एक्स्ट्रा लिया था, तीन फंदे बुन लिए थे, तो दो फंदों का हम एक करेंगे, फिर दो फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे, तीन फंदा हम सीधा लास्ट के बुन लेंगे। देखिए हमारी थर्ड रो थी राइट साइड से, अब हम बैक साइड फोर्थ रो में फ्रेंड्स हमें पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे, देखिए हमने बैक साइड से पूरी रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमारा अब दूसरा वाला पैटर्न स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारे फोर्थ पैटर्न बनकर आ गए हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अगर आप इसे लाइट कलर में अप्लाई करेंगे तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।